अच्छा दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो 100 पे मैनू और हमारा मैप्रोपॉज ना बोलते थे पहले, मतलब कि कॉम्पिटिटर कोई भी एग्जाम के में कैची कैची पूछते हैं आपको, उनको मैथ में चैप्टर आता है और इंजीनियरिंग में चैप्टर आता है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। हम लोग का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तीन तरह का सब्जेक्ट आता है। पहला है मानसिक योग का, दूसरा है अंगणित, तीसरा है हिंदी भाषा परीक्षा। मानसिक योग का 10 तरह का होता है। पहला का नाम होगा आकृति पूर्ण, उसके बाद संरचित या संबंध, श्रमुख गोल, वर्ग कर्ण, दर्पण प्रतिबिंब, कागज को मोड़ना एवं काटना, उसके बाद है छिपी नृति आकृति को खोलना, उसके बाद है आकृति निर्माण। यह हो गया हम लोग का 10 तरह का रीजनिंग। ये 10 टाइप पूछता है तो मैं इस 10 टाइप को बताने वाला हूँ कैसे कैसे बनता है। ये इंट्रोडक्शन है, इसमें मैं अगले वीडियो में इसका बना दूंगा पूरा कैसे कैसे बनता है रीजनिंग 10 टाइप का। अंकगणित में हम लोग का पूछता है सबसे पहले संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम पहला हम लोग का ये पूछता है। दूसरा पूछता है ऋणात्मक संख्या, उसके बाद पूछता है हम लोग का दशमलव भिन्न, उसके बाद पूछता है एक एक नियम, उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, उसके बाद औसत, उसके बाद प्रतिशत और लाभ हानि, साधारण व्यास, समय और दूरी, क्षेत्रफल और आयत, संख्या संगोल, समय और घड़ी, ग्राफ एवं चित्र लेख। सबसे ज्यादा तो इसमें क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है क्षेत्रफल और आयतन से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे कम क्वेश्चन है जो इससे पूछेगा संख्या सिंबल से, और इसे बहुत कम तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें भी बहुत इससे तो कभी कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछता, बहुत रेयर में पूछेगा एक क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग का आता है हिंदी भाषा परिभाषा, इसमें एक पैराग्राफ होता है, वो पैराग्राफ को पढ़ के अच्छा से क्वेश्चन दिया रहा होगा उसी को भरना रहता है। ये होता है हम लोग का हिंदी में, ये पूरा 15 चैप्टर है। मैथ में पूछता है पूरा 10 टाइप का रीजनिंग है जो मानसिक योग पूछता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, अब मिलना है।